बात यहां पर करते हैं पिच के बारे में, टीम इंडिया के बारे में। और टीम इंडिया के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से, रिपोर्ट्स की माने तो एक खबर सामने आई थी कि वहां की फैसिलिटीज से न्यूयॉर्क में, यूएसए में जो टीम इंडिया को सुविधाएं दी जा रही थी उससे कहीं ना कहीं टीम इंडिया नाखुश है। ये रिपोर्ट्स कह रही थी, सूत्र कह रहे थे कि टीम इंडिया को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो पिच को लेकर हो, चाहे वो मैदान को लेकर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेकर हो। सुविधाएं जो है बेसिकली उनसे टीम इंडिया खुश नहीं है, नाराज चल रही है और वहां पर टीम इंडिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये रिपोर्ट्स दावा कर रही थी। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले एक और अपडेट निकल कर सामने आई, जहां पर रिपोर्ट्स की माने तो क्रिक बज ने ये रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल द्रविड़ जो कि टीम इंडिया के हेड कोच हैं और रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया के कप्तान हैं, दोनों लोग गए थे नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में जहां पर इंडिया के सारे लीग स्टेज मैचेस होने, यानी कि यूएसए वाले जो सारे मैचेस न्यूयॉर्क में होने, उस मैदान पर हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा गए थे। पिच का उन्होंने जायजा लिया, ग्राउंड का उन्होंने जायजा लिया और वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए, ऐसा मानना है, ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि वो खुश नजर आए पिच को देखते हुए, ग्राउंड को देखते हुए सेटिस्फाइड नजर आए हैं। और इस मौके पर रोहित शर्मा ने बयान भी दिया है। रोहित शर्मा ने कहा है कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, काफी खुला हुआ मैदान है, जब हम यहाँ आएंगे खेलेंगे अपना पहला मैच तो स्टेडियम के माहौल को महसूस करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ, उम्मीद है कि ये काफी अच्छा होने वाला है। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ बेसिकली जो पिच के बारे में कह रहे थे कि पिच अच्छी है, ड्रॉप इन पिचेज हैं हालांकि, लेकिन अच्छा खासा बाउंस वहां पर नजर आ रहा है, अच्छे से बल्ले पे आने की उम्मीद है गेंद और हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। यानी कि ओवरऑल अगर पिच की बात करें तो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। और बाकी जो चीजें सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है, क्या टीम इंडिया को उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, क्या टीम इंडिया परेशानियों का सामना कर रही है, ये सभी चीजें अभी तक क्लैरिफाई तो नहीं हो पाई हैं। लेकिन पिच और मैदान जहां पर कल टीम इंडिया को वार्म अप मैच भी खेलना है और उसके बाद सारे जो मैचेस है, चाहे आयरलैंड के खिलाफ हो, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, सभी के खिलाफ ये जो चार मुकाबले खेलने हैं टीम इंडिया को, वहां पर टीम इंडिया जिस मैदान पर खेलने वाली है उसकी पिच से सेटिस्फाइड, संतुष्ट नजर आए हैं कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़।